भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर दो दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां सरगुजा संभाग के 9 विधानसभा सीटों के टिकट बंटवारे को लेकर विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक कर निर्णय लिया जा रहा है। दरअसल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व बीते दिनों छत्तीसगढ़ में 21 विधानसभा सीटों का प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में बचे 69 सीटों के लिए विधानसभा कोर कमेटी की बैठक कर टिकटों के बंटवारे का निर्णय लिया जा रहा है। इधर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि सरगुजा संभाग के 9 सीटों के लिए भाजपा की विधानसभा कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। साथ ही कहा कि भाजपा की पोलिंग बूथ तक माइक्रो ऑब्जर्वर मैनेजमेंट के तौर पर काम करना है और जो जिम्मेदारी दी गई थी वह बूथ लेवल तक पहुंची या नहीं इसकी भी जानकारी लेना है। तो चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट हो पोलिंग बूथ तक का, उस नाते ये मेरा दूसरा टूर हर विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठना, और पिछले 3-4 माह में जो कोर कमेटी को विषय दिए गए हैं उन विषयों को नीचे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, 10 तरह के कार्यक्रम दिए गए हैं, सोशल इक्वेशन का बताया गया है, भौगोलिक इक्वेशन का बताया गया है, उन सब कामों को नीचे तक पहुंचाना तो हर विधानसभा की एक कोर कमेटी की डिटेल बैठक, कल भी हम 3 विधानसभा करके आए हैं, कल रात को यहाँ 3 विधानसभा की है और आज रात अभी अगले भी 3 विधानसभाएं हम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 2 दिन में 9 विधानसभाओं की मॉनिटरिंग, इसी तरह संपूर्ण प्रदेश की जो 70 विधानसभाएं शेष रह गई है 69, उन सब की नीचे तक की बूथ मैनेजमेंट की ठीक प्रकार से चिंता हो, उस निमित्त मेरा प्रवास था और इसी निमित्त मैं प्रवास करने आया हूँ। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बना रही है। चुनाव के ठीक 90 दिन पहले भाजपा ने 21 प्रत्याशियों के टिकट घोषणा कर इतिहास रच दिया है। इससे पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक राजनीतिक वातावरण का निर्माण हुआ है। साथ ही कहा कि भाजपा ने महिलाओं को भी पर्याप्त संख्या में स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और आप सब लोगों ने देखा कि चुनाव के 90 दिन पहले पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है और एक नए तरह का ये रणनीतिक फैसला पार्टी ने लिया बहुत पहले प्रत्याशी घोषित करने का, और निश्चित रूप से इससे पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक राजनीतिक वातावरण का निर्माण हुआ है। इन 21 प्रत्याशियों में एक तरफ जहां उत्साही और नए चेहरे हैं वहीं अनुभवी लोगों को स्थान मिला है, महिलाओं को भी पर्याप्त संख्या में स्थान पार्टी ने दिया है। इसी तरह से पार्टी सब वर्ग को साथ लेते हुए प्रत्याशी घोषित करेगी। पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है, जनता के हर मुद्दों को उठाया है और आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा बह रही है। स्थान स्थान पर लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि सतनामी समाज के गुरु गुरु बालदास पूरे परिवार अपने सहयोगियों के साथ पार्टी में शामिल हुए, फिर जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान चुनावी मुद्दों पर उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि मतदाताओं के ऊपर हम लोग तो उतना ही कर सकते हैं कि हम लोग की उपस्थिति उतना ही है, यह मान लीजिए मेरा भी एक वोट है, भाजपा के प्रत्याशी का भी एक वोट है। विधानसभा में जीतने के लिए तो हजारों लोगों का विश्वास चाहिए, उनका आदलन उनका भरोसा चाहिए कि ये हमारे लिए ठीक कर पाएगा,
और अंबिकापुर के लिए ज्यादा से ज्यादा पहल करने की स्थिति में रह सकता है। ये देख के मतदाता वोट करता है और पार्टी को भी देखता है और पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, वही अपने क्षेत्र का विकास की संभावनाओं को भी देखता है। हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं है, वो पिछले चुनाव में संयोगवश पीछे रह गए थे तो उनको जल्दी है आगे जाने की, तो घोषणा करना चाह रहे हैं वो उनकी प्रक्रिया है। हम लोग ठोक ठठा के घोषणा करना चाह रहे हैं, एक प्रक्रिया के तहत घोषणा करना चाह रहे हैं और आने वाले समय में सारे नाम सामने आ जाएंगे। और ईडी का दुरुपयोग अब और गहराता हुआ दिख रहा है, करें उनको जितना करना करें, कांग्रेस की जड़ें कितनी गहरी हैं शायद ईडी को नहीं मालूम। क्या इसका कुछ असर पड़ेगा या फिर कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा? आप कांग्रेस के महाधिवेशन के दिन कार्रवाई करते हो, आप मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन कार्रवाई करते हो, क्या दिखाना चाह रहे हैं? सहानुभूति तो मिलेगी ही। देश हमारा जो जिसको अंडरडॉग कहते हैं, जिसको दबाने की कोशिश हो रही है, जिसको पीछे करने की कोशिश हो रही है, हमेशा उनके साथ सहानुभूति रखता है, तो चाहे अनचाहे वो कांग्रेस पक्ष को सहानुभूति देते जा रहे हैं। ओम माथुर का एक बयान आया है, इससे स्पष्ट हो गया कि अब पुराने जो बड़े नेता हैं बीजेपी में उनका टिकट कटेगा। उनका कहना है कि अब वो प्रत्याशी को टिकट बीजेपी दे रही जो जीतने लायक है। 5 सीटों पर भी संभाग की बात करें तो घोषणा होगी, आपको क्या लगता है कितने मजबूत कैंडिडेट हैं यहाँ? मैं उनकी बात तो नहीं कह रहा, मैं तो शायद पिछले 10-15 सालों से यही लाइन कहता हूँ कि जो जीतने वाला है उसको टिकट मिलना चाहिए। ना चेहरा देखो, ना समाज देखो, ना जात देखो, ना क्षेत्र देखो, जो जहाँ से जीत सकता है वही चीज़। ओम माथुर जी कह रहे हैं तो एक ही चीज़ है।